ऐसे घर में हूँ, नॉन मुस्लिम है, मतलब मुस्लिम नहीं है वो, तो उन्होंने मेरी अफ्तारी करवाई है। इन जैसे लोग हो ना तो हिंदुस्तान में ना हर कोई भाईचारा रहेगा। सिस्टम फाड़ देंगे। चलो भाइयों तो चलते हैं घूमने कहीं ना कहीं। हुए थे फकीर कैसा हुए थे चुके हैं मुर्गे के पराठे। तो भाइयों तुम्हारा भाई तो उसी भाई ने जरा आज एक गिरफ्तार करे गैर मुस्लिम के यहाँ पर नेता के बच्चे को तुमने नहीं देखा होगा कि वो किसी जंग में जाके लड़ रहा है या किसी इसमें दंगों में लड़ रहा है। तो दोस्तों मैं अभी काम पे निकला था ना, तो काम करने के लिए बाहर निकला हुआ हूँ, तो LCD वगैरह ठीक करता हूँ ना। देखो LCD ठीक करके बैठा ही था भाई, इफ्तारी का टाइम होगा, तो मैं ऐसे घर में हूँ, नॉन मुस्लिम है, मतलब मुस्लिम नहीं है वो, तो उन्होंने मेरी अफ्तारी करवाई है। ये देखिए रसगुल्ले वगैरह, चाय वगैरह, पानी सब रख दिया। ये अंकल जी है, ये बहुत अच्छे अंकल जी हैं, इन्होंने मेरी अफ्तारी करवाई यहीं पे ही। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। शुक्रिया क्या बात है, अगर आप जैसा हो ना तो मतलब कि हिंदू मुस्लिम खत्म ही हो जाए। हिंदू मुस्लिम क्या, सब भाई भाई हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। नहीं कोई कोई होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई मुसलमान बुरा नहीं है, कोई हिंदू बुरा नहीं है, बस लोगों के दिलों में गलत फहमी आ गई है, जो सत्ता की वेशा आ गई है भाई, जो चल रही है ना सत्ता, वह उसी वेशा लोगों के दिलों में गलत फहमी आ गई है। वरना ऐसे इन जैसे लोग हो ना तो हिंदुस्तान में ना हर कोई भाईचारा रहेगा हर किसी के साथ, कोई को ना कोई हिंदू मुस्लिम होगी, बस ये लोग हों, वरना हर हिंदू के दिल में मोहब्बत होगी मुसलमान के लिए, मुसलमानों के दिल में होगी हिंदू के लिए मोहब्बत। तो बस इनसे सीखो भाइयों, जो हिंदू देख रहे हो या मुसलमान देख रहे हो, बस देखो भाइयों मेरे लिए इफ्तारी करवाइए, खुशी की बात है बहुत। इतना शुक्रिया नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, हम ये घर में आए हुए मेहमान का हम लोग ऐसी स्वागत करते हैं, हम नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सब हमारे भाई है, सब बराबर के हैं, सब बराबर, हमें बहुत अच्छे लगता है। चलो भाइयों मैं इफ्तारी कर लेता हूँ, फिर यहाँ से घर के लिए निकलना है, गाड़ी भी खराब हो चुकी है, कैसे पहुँचूंगा कैसे नहीं पता नहीं, चलो फिर से मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों हम आए हुए हैं नाजिम भाई के पास, जो जिम में काम मतलब भाई भाई करते हैं ना, तो ये रहे नाजिम भाई कार्ड देने के लिए। भाई पूरी खजूरी को लेके आना है। ये लोन हमारा जिम देख रो, बुआ अगर व्लॉग देख रही है सोच लो मजाक कर रहा हूँ मैं। भाई टीम 94 को पूरा पूरा सपोर्ट करे बस, वो तो सपोर्ट हो रहा है, ये भी जिम करता है। फैंस आप ये देख रहे हो, देखो आराम नहीं होगे की बॉडी वेट कंसे में। टॉपिक आमिर यार रुक जाओ, टॉपिक टॉपिक लाओ, अरे ये वाला लो लो भाई, आना नहीं है पर भी है और बलि में भी पर आना नहीं है, जरूर आएंगे जरूर आएंगे बिल्कुल आएंगे पर आना नहीं है बिल्कुल। और जो ये शुरू में कराना मैंने ये हटा दियो, कहीं फिर पिछले वाला सीन कर दे। सॉरी ब्रो, अभी ले आया कुर्ता सिलवा के, ये रहा कुर्ता, ये रखा देख रहो बेबी, जा रहा हूँ अभी तो मैं घर देने जा रहा हूँ, तेरी अम्मी आज बातें सुना रही थी तेरे बारे में, तू क्या क्या हरकतें कर रहा है, तू घर में है मगरिब तक सो रहा, तू ये सुनने में आ रही है मेरे, मगरिब तक सो रहा तू, मतलब शहरी करो मगरिब में उठो इफ्तारी करने के लिए, नमाज भी मत पढ़ो है। हमने समोसा खाए, रसगुल्ले खाए, गुंजिया खाई, चाय पी, इतनी बढ़िया इफ्तारी हुई है मेरी, इतनी बढ़िया इफ्तारी हुई है मेरी, और अल्लाह ताला ने ऐसे घर में कराई है। अबे तो भैया मैं हिंदू के घर में करके आया हूँ ना इफ्तारी। चलो भाइयों तो चलते हैं घूमने कहीं ना कहीं, तभी ये दो बंदे भी आ चुके हैं, स्कूटी पे आया, ये बंदे भी आ गए, तो चलते हैं कहीं घूमने, ठीक है थोड़ा निभाते हैं भाईचारा, भाईचारा ऑन टॉप।
तो दोस्तों हम आ चुके हैं रोड पे और अब हम जा रहे हैं क्या नाम है जाफराबाद। और ये चलते हमारे भाई बंधु आगे और शाम तक कोई दिखे ना बत्ता ना बत्ती की चाल। जाफराबाद जाके मिलते हैं तुम्हें, ठीक है? जाफराबाद में देखते हैं हमारे अंदर भी, ठीक है? अब देखते हैं भाई क्या भाई लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं। ये पराठे वाले भाई, भाई बहुत अच्छे पराठे बनाते हैं। शहरी चिकन के पराठे से हुई है, शहरी चिकन के पराठे से हुई होगी। अरे भैया यार, मैं तो 5-6 खा जाऊंगा। मैं तो हाथी के पराठे खाऊंगा। हाथी के नहीं, हाथी का लिए सुअर का लगवा दिया। अफजल भाई आप ऐसे सुनोगे, तुम अपने लिए सुअर के पराठे खाओगे तुम? बड़ा आराम है, रमजान चल रहा है, इसका नाम मत लो यार। काला दिन था, ब्लैक डे पैदा हुए थे, फकीर पैदा हुए थे। एक बात बता, फकीरों में यही ऐसे ही और भी तेरी याद में है? सारे गरीब है, सारे गरीब है। कुरैशी है ये, कुरैशी सवार ये रही आ रही है, बंद करते भी लोग अब तो भाई लोग बैठ चुके हैं फिल्मपुर में पराठे वाले के। हाँ, और ये बंदे बैठे हुए ले लो सिगरेट के, बाकी एक बंदा हमारा बाहर गए हुए हैं, यादव भाई बाहर गए हुए हैं। झूठ बोलना पड़ता है, दिख थोड़ी रहे यही बैठे हैं, पर मैं झूठ बोल रहा हूँ। और ये देखो ऑन टॉप आईफोन XS भी और 15 प्रो भी देख रहा हूँ भरम। अरे ये तो 15 ही 29 है भाई, डबल है, एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड में गिनती आएगी उसकी भाई, डबल है ना इससे, एंड्रॉइड में गिनती आएगी। हम तीनों की आएगी आईफोन में गिनती, आईफोन में इतना रह गया यार आईफोन लेते वो बात अलग है, छपरियों में गिनती आती है आईफोन में। पर आईफोन है भाई, बात तो देख रहा छपरी यहाँ चला रहे हो आईफोन, कारखाने वालों पे आईफोन यार, ये कौन चलाता है? चुके हैं मुर्गे के पराठे, बता दो। हम खाली हम तीन बंदे खा रहे हैं, ये तो खाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जाफराबाद आते हैं ना ये अभी, तो ये खा के आए, ये भी खा के आए, हम तीनों खाएंगे। हमें ही भूख लगी, हमें फेरी करनी है, तो दही भी आ गई भाइयों, दही भी आ गया, मक्खन भी आ गया, मक्खन लोगों ने, कोई बात नहीं खा लेंगे हम भी तब भी। चलो अमूल का है, अमूल है, अमूल, चलो ओरिजिनल है, कोई बात नहीं, तब भी लोकल बताएंगे हम। ये भाइयों खाते हैं तो कोई लोग सच्ची मान जाएंगे। मुर्गा देखो कैसे बन रखा है, तो खोल ले भाई, मुर्गा देखो कैसे बन रखा है। नहीं मुर्गा ओरिजिनल है, नहीं मुर्गे के नाम पे धोखा है, प्याज डाली गई है। खा ले चिकन है, क्या नहीं डाली, प्याज डाली गई है, जिंदा प्याज भैया। मुर्गा ओरिजिनल है, वो आता अलग है, कुछ भी मिला के खिला देंगे ये, पर ओरिजिनल है, ओरिजिनल। ये तो पूरा मक्खन मान ने ले लिया और मंगा लिया हमने पराठे, क्यों क्योंकि बन गए पराठे, मजा आ गया पराठे खाने में। एक मक्खन खाएंगे ना अच्छे नहीं लगते, तो मुझे भाई वो अमृत वाला जूस याद है तुम्हें, मजा आ रहा है। कौन सा अमृत वाला जूस? चाय भी मंगाई है जीटीबी हॉस्पिटल में, जब चाय उन्होंने कॉफी मंगाई है, पराठे को शायद फ्रिज में रखा रहता हूं मैं जीटी के पास में, वाला पिया तूने? ले यार अमृत का जूस, वो यार बड़ा टेस्टी लगता है। मैं अस्पताल ही नहीं गया, तुम गए थे यार? यार बहुत बढ़िया, आगे देखो फिल्मपुर में कभी नहीं है, तो किसी मुर्गे के पराठे खाओ, मजा आ जाएगा। सारे भाई से पूछे टेस्ट कैसा यार, अमरूद का जूस बड़ा बेहतरीन था भाई, पराठे का अमरूद का जूस था भाई, मुझे बिल्कुल क्योंकि मैंने उन्होंने खाई नहीं, ये अच्छे नहीं लगे, हम तीनों ही खा रहे हैं। मुझे तुम तो भाई तुम्हारा भाई आई है पीने की, ये देखो लंगूर के हाथ अंगूर, ये लंगूर के हाथ अंगूर, ब्रादर के कौन सी ब्रादर है? कहीं ना कहीं तो दोषी बरादरी में निकलेंगे, ये रिश्तेदारी निकली जाएगी जब बरादरी में, तो बताइयो को सकरी के, सकरी के बताइयो,
तो भाई लोग खा चुके हैं, हम पेट भर गया बिल्कुल, चाय भी पी ली, कॉफी भी पी ली, पराठे भी खा लिए, दही भी खा लिया और बस निकल रहे हैं। ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा, वैसे उठने का नाम तो मैं भी नहीं ले रहा, वैसे चल रहे यार पेट भर गया, मजा आ गया। तो हमने खा लिए हैं पराठे, पराठे बहुत अच्छे थे भाई, बहुत मज़ा आ गया पराठे में अंकल जी के। ये देखो ये अंकल जी की दुकान है, ठीक है, पराठे बहुत अच्छे थे अंकल जी आपके। और ये भाई की दुकान है यहाँ पे, ये सीलमपुर में यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है, एक दुकान ये थी। तो भाई पराठे कैसे लगे? बढ़िया, पराठे कैसे लगे? जबरदस्त, मैंने खाए नहीं थे। सादा भाई ने भी नहीं खाए थे यार, एक खाया था। तो भाई हम तीनों, दोनों बंदों ने, तीनों ने खाए थे पराठे। और ये शुगर बुलेट चला रहा है, चलो फिर अब चल रहे शाही टुकड़ा खाने, हमारे बाबू को शाही टुकड़ा बहुत पसंद है, अब शाही टुकड़ा खाने जा रहे हैं वो, ठीक है। तो दोस्तों शाही टुकड़ा इन्होंने खा लिया और ये आ गए डायरेक्ट चौक पे, और उस्मान चला गया घर पे शेरी तैयार करने, शेरी की तैयारी करने। और अब इस ब्लॉग का करते हैं हम एंड। और एक बात करनी थी यार कि तोसी भाई ने जरा आज एक रोजे इफ्तार करे गैर मुस्लिम के यहाँ पर, मतलब हिंदू था वो, तो यही वाली बात है। देखो कोई गैर मुस्लिम भी है तो यार हमारा खुद भाईचारा है, हिंदू भाइयों से बहुत बहुत है, मेरे यार दोस्त हैं जो आते हैं मेरे घर पे भी आते हैं, और पार्टी वार्टी होती रहती है, वो हमें बुलाते हैं, हम उनके बुलाते हैं, वो हमारे आते हैं, हम उनके जाते हैं, तो चलते रहता भाईचारा। तो ऐसे ही भाईचारा बनाए रखो, मैं तो ये कहूँगा। देखो नफरत वाली चीज़ें छोड़ दो, कुछ रखा नहीं यार, नेताओं फूट डाल देते हैं, उनका काम यही है, बाकी करना क्या, गरीबों को नुकसान होगा और कुछ नहीं। किसी नेता के बच्चे को तुमने नहीं देखा होगा कि वो किसी जंग में जाके लड़ रहा है या किसी इसमें दंगों में लड़ रहा है, वहाँ कौन लड़ता है, सिर्फ आम आदमी। तो सिर्फ आम आदमी का ही नुकसान होता है मेरा भाई, और किसी का नहीं होता। नेताओं का काम होता है बस चिंगारी लगानी, बाकी अख्त तुम लगा ही दे दो। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि प्यार मोहब्बत से रहो, भाईचारा रखो सबसे, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, भाईचारे से रहो, अपने हिंदुस्तान में अमन कायम रखोगे तो देखो यार अपने ही फायदा, अपना फ़ायदा होगा, हिंदुस्तान का फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा, है ना। और अगर लड़ाई करोगे ऐसी, दंगे फसाद करोगे तो कुछ होगा ही नहीं यार, किसी और का फायदा होगा, हमारे बीच हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई और फायदा उठा के जा रहा है, बस यही है। तो इसलिए भाई कहूँगा सब भाईचारे से रहो। देखो बहुत अच्छा लगा तो सिर्फ भाई ने आके मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे यार वहाँ पे आज क्या कहते हैं उन्होंने मुझे इफ्तार करवाया, अंकल जी ने इफ्तार करवाया, और इफ्तार करवा के अब देखो इफ्तार करवाया, इसे भी अच्छा लगा किसी गैर मुस्लिम के वहाँ पे इफ्तार करवाया, उन्होंने सब कुछ मतलब सब कुछ करा, अच्छे से इफ्तार करवाया, ये भी नहीं थोड़ा बहुत ही अच्छे से इफ्तार करवाया इसका, है भाई क्या करवाया था, अच्छा लगता है, ऐसे करते रहो और बाकी प्यार मोहब्बत से रहो। और हाँ एक बात और कि कमेंट का जो मसला चल रहा है, देखो कमेंट का मसला कुछ नहीं है, आप कमेंट करोगे मैं कमेंट पढ़ूंगा, कल के ब्लॉग से कमेंट पढ़ना स्टार्ट है, जिसकी 5 से ज़्यादा कमेंट होंगी उसकी कमेंट पड़ जाएगी, करो 5 से ज़्यादा कमेंट और नाम पड़ा जाएगा इंशाल्लाह। चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।